ये जो माफिया डॉन अपराधी आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आज इस कानून व्यवस्था से जो योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित की है उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में, उससे इतना थरथर कांप रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया, कोई अपराधी का परिवार कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बिल्कुल सही किया है और अपने खुद के परिवार के शख्स की गलती भी मानने को तैयार है, कोई पैंट गीली कर रहा है अपराधी। परंतु दूसरी बात यह है कि इन सभी अपराधी माफियाओं के बचाव में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाईचारा समाप्त होगा अगर इन अपराधियों पर कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता अतीक अहमद को अतीक अहमद जी कहते हैं, बाकी नेता भी इनके मानवाधिकार की मंडली बनकर सामने आ चुके हैं। जब उमेश पाल या राजू पाल मारा गया, जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार जनों के साथ अन्याय हुआ, उमेश पाल के गनर निषाद जी को मारा गया, जब ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, तब उनके मानव अधिकार नहीं थे? जो माफिया डॉन के हाथों प्रताड़ित हुए, उनके मानव अधिकार नहीं थे? तो ये तथाकथित मंडली केवल वोट बैंक के नाम पर आज माफिया आतंकी अपराधियों के साथ भी खड़े रहने का काम कर रही है। इन्होंने ही ऐसे तत्वों को विधानसभा और पार्लियामेंट भेजा था। आज ये लोग जेल की काल कोठड़ी में हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये दोषी पाए जा रहे हैं और इनकी करोड़ों रुपए की जमीनें हड़प कर उसको दी जा रही है गरीबों में। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने का काम क्यों किया जा रहा है। कर्नाटक में विपक्ष बिखरा हुआ है, शरद पवार कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे 40-50 सीटें। देखिए, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी यूनिटी की बात कर रहे थे। वैसे तो ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी को यूनाइटेड नहीं रख पाते हैं, परंतु आज फिर से जिस प्रकार से ये खबर सामने आई है कि अलग लड़ा जाएगा कर्नाटका में एनसीपी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि केवल जो अलायंसेस कन्वीनियंस के आधार पर बनते हैं, जो अलायंसेस केवल सहूलियत के लिए बनते हैं, वो अलायंसेस में आम तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखते हैं, कन्फ्यूजन भी दिखता है, और एक बार फिर से ये कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्यूजन सामने आया है। वैसे भी महाविकास अघाड़ी के नाम पर जो महाविचित्र अघाड़ी चल रही है, वहां पर भी ये कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन बार बार दिखाई देता है, चाहे सावरकर जी के विषय पर हो, चाहे अजीत पवार जी जिस प्रकार से नाना पटोले के बारे में और नाना पटोले अजीत पवार जी के बारे में बयान देते हैं, जिस प्रकार से वहां की सरकार, वहां की जो एमवीए है उसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर वो आमने सामने होते हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी शरद पवार पर हमला करती है, उनको लालची और कायर कहती है, तो मुझे लगता है ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस आज अलायंस ऑफ कन्फ्यूजन बन चुका है।